एक्टिव पैसिव वाइस पैसिव वाइस जेंडर वाइस। स्वागत है सभी का हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन में। आज हम करेंगे जेंडर वाइस का पार्ट 3 कवर। हमने पार्ट 1 में आपको बेसिक से रूल के साथ आपको सिखाया था कि सबसे पहले लेवल के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वाइस पे कैसे बदलेंगे। फिर पार्ट 2 भी हमने कवर किया, जहाँ पर आपको मैंने इज ए मार के साथ, विल के साथ, हैव के साथ सब कुछ सिखाया। आज हम पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और लगातार 5 से 10 साल हो गए इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं वाइज के सारे क्वेश्चन बनाना, तो ये प्रैक्टिस वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए शुरू से लेकर के अंत तक। अगर इनमें से कई क्वेश्चन आपको लगते हैं कि बन जाएगा, तो मेरे समझाते वक्त आप सारे क्वेश्चन बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं भी जानूँ कि मेरे बनाए हुए वीडियो को देख करके बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, दिस इज अ टाइगर। सेंटेंस को देख करके अगर आप पहचान लेते हैं कि टेंस के किस कैटेगरी के सेंटेंस है, कंटिन्यूअस के हैं कि परफेक्ट के हैं कि इनडेफिनेट के हैं, तो समझ जाइए आपका वॉइस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपने टेंस को क्लियर कर लिया है, तो वॉइस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये उसी का प्ररूप है, बस थोड़ी बदल करके बातों को कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, अगर मैं कहता हूँ राम आम खाते हैं, इसी बात को हम दूसरे तरह से कहते हैं, आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो इसी तरह से आज हमें इनको बनाना है। तो चूंकि आपको रूल्स नियम सब कुछ मैंने बता दिया था कैसे चेंज करना है, तो आज हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप लोग नए हैं, आप लोगों ने नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, जाइए और देखिए और जल्दी से सीखिए। और ऐसे ढेरों क्वेश्चन मैं भी देने वाला हूँ जिसका आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर यहाँ पर मैं वर्ब को बदल दूँ, इनके फॉर्म को बदल दूँ, तब ये किस तरह से वॉइस में बदलेंगे। तो कुल मिलाकर के वर्ब ही मेन होते हैं जिनसे वॉइस में थोड़े से चेंजेस आते हैं। तो प्रेजेंट में, फ्यूचर में क्या कैसे बदलेगा, सब कुछ जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लिखा है दे सी अ टाइगर। इसमें सब्जेक्ट है दे, सी है वर्ब, ऑब्जेक्ट है अ टाइगर। आंसर लिखते समय, ठीक है मैं रेड में आंसर लिखता हूँ, आंसर लिखते समय आपको याद रखना है जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो जो टाइगर है, टाइगर उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम लिखेंगे टाइगर। तो जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना होता है, हमने लिख लिया सामने में अ टाइगर, और इसके साथ प्रेजेंट है तो इज ए मार का उपयोग करना है, तो हम करेंगे इज। टाइगर इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है। अ टाइगर इज सीन वर्ब के थर्ड के फॉर्म के बाद हमेशा आपको बाय लगाना है। जब भी वर्ब के थर्ड फॉर्म आपने लगा लिया तो बाय लगाना है। अ टाइगर इज सीन बाय किसके द्वारा, तो सब्जेक्ट है दे, और दे का होता है देम, तो आपको लास्ट में लिखना है देम। अ टाइगर इज सीन बाय देम। अगर यहाँ पर होता आई सी अ टाइगर, तो आई का ऑब्जेक्ट बन जाता मी, तो हम उसी में कहते अ टाइगर इज सीन बाय मी। अगर हमने देखा होता तो सामने में होता वी सी अ टाइगर, तब हम कहते अ टाइगर इज सीन बाय अस, वी का क्या होता है अस। इसी तरह से हम सब कुछ जानेंगे। अब मान लेते हैं जो सेंटेंस है हमारा वो इस तरह से होता, आई सॉ अ टाइगर, तो टाइगर को फर्स्ट में लाते और लिखते अ टाइगर। वर्ब का जब सेकंड फॉर्म दिखे तो इज एम आर नहीं लगेगा, यहाँ वाज वा लगता है। अ टाइगर वाज सीन बाय मी, क्लियर है, बस ऐसे बनाना है। तो इसको मैंने इसलिए बताया ताकि एग्जाम में अगर इसी सेंटेंस को, जिसका भी हमने रेड में आंसर लिखा है, अगर इसी क्वेश्चन को बदल करके दे तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ही शट्स द गेट। ठीक है, अब शट का थर्ड फॉर्म शट ही रहता है, जैसे कट का कट रहता है। ठीक है, तो द ग्रेट, सॉरी ग्रेट नहीं यार, गेट है, गेट, एक गलती से ग्रेट लिखा गया। ठीक है, तो मैं कहूँगा अ गेट या द गेट, आप कह सकते हैं द गेट इज। हमारा काम होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, इज ए मान लगाना, फिर वर्ड पर थर्ड फॉर्म। तो सट का मैंने कहा सट ही रहेगा, द गेट इज सट बाय, इसमें सब्जेक्ट है ही, तो ही का आपको हिम लिखना है। क्लियर, बस ऐसे आंसर लिखते जाओ। अगला, वी लव आवर पेरेंट्स। देखिए, जब ऑब्जेक्ट आपका बहुवचन में हो, तो बहुवचन में जब होगा बहुत सारे होंगे तो एस लगा होगा, और एस लगा होगा तो जब वो सब्जेक्ट बनेगा तो आपको उसके साथ ना तो इज लगाना है ना तो एम, आपको वहाँ आर लगाना है। वी लव आवर पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स आर, लव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड। आवर पेरेंट्स आर लव्ड बाई वी, वी का हो जाएगा अस। ठीक है, बाई अस, ऐसे बनाना है। अगला देखते हैं, द सोल्जर डिग द मैच। द सोल्जर डिग द मैच, डिग का थर्ड फॉर्म डग हो जाता है, तो आपको लिखना है द सोल्जर डिग द मैच। द मैच ऑब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट बनेगा। द मैच, डिग के जगह आप डग लिखेंगे, द मैच डग, अरे इजे मार तो हमने लगाया नहीं, द मैच इज डग बाय, किसके द्वारा, सोल्जर के द्वारा, बाय द सोल्जर या अ सोल्जर। नेक्स्ट है आपका, यू कॉपी द लेसन, द लेसन आपका सब्जेक्ट बनेगा इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर भी इज ए मार का प्रयोग करना है, तो इज द लेसन इज कॉपीड बाय यू का, तो यू रहेगा, तो बस यू लगा दिए लास्ट में। ठीक, हिज ब्रदर पुलिस शूज, शूज तो इज नहीं आर लगेगा, शूज आर पुलिश्ड बाय हिज ब्रदर। Yeah, shoes are polished by his brother. Boys fly kites. तो kites को सबसे सामने में लाएंगे बहुवचन में, तो यहाँ भी आर लगा देंगे जैसे यहाँ लगाए थे। Kites are, fly का थर्ड फॉर्म होता है flown. Kites are flown by boys. She sing a song. A song is a mark, क्या लगाएंगे, is a song is sung. Sing का थर्ड फॉर्म होता है sung. A song is sung by, कौन है, she है, तो she का होता है her. A song is sung by her. I teach you English.
आई टीच यू इंग्लिश. इंग्लिश इज टीच कट आउट हो जाते हैं. इंग्लिश इज टॉट बाय मी. टॉट यू होगा फिर बाय मी होगा. ठीक. इंग्लिश इज नहीं, ऑब्जेक्ट तो इसमें यू है. यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी. ये होगा, ये रॉन्ग है. देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, काम है टीच, और यू पढ़ाने काम तुम्हें किया जा रहा है. क्या पढ़ा जा रहा है? इंग्लिश, है ना. लेकिन यू है तो यू सबसे पहले. यू आर टाउट इंग्लिश बाय मी, ऐसे होगा. वी सी अ एप्पल ट्री. अ एप्पल ट्री एप्पल ट्री नहीं होगा, अन एप्पल ट्री होगा. अन प्रिंट मिस्टेक है यहाँ. अन एप्पल ट्री इज सीन बाय पी का क्या हो जाएगा? अस. ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रैक्टिस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस का. ठीक है, अब कुछ नए सेंटेंस बनाते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, लेकिन सेंटेंस की कैटेगरी को बदलेंगे. अभी हमने प्रेजेंट को देखा है, अब हम पास्ट को देख लेते हैं. जैसे यू ड्रैंक मिल्क, सी लेफ्ट द ग्रुप. ग्रुप्स ही प्लेड अ गेम्स. आई एट राइस. ठीक, कितने सेंटेंस हुए? चार हुए. पांचवा एक और बना लेते हैं. वी वेंट देयर. ठीक है, चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं फटाफट. पास्ट की पहचान होती है काम से. यहाँ ड्रिंक की जगह ड्रैंक लिखा है, यहाँ लेफ्ट लिखा है लेफ्ट की जगह, यहाँ पर प्लेट लिखा है, यहाँ एट लिखा है, यहाँ वेंट लिखा है, जो कि गो का सेकेंड फॉर्म है. तो हमें कन्वर्ट करते समय याद रखना है कि पास्ट में हमें वाज या वर का इस्तेमाल करना है. तो यू ड्रैंक मिल्क, इसमें ऑब्जेक्ट है आपका मिल्क, उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे. तो हम लिखेंगे सबसे पहले मिल्क. ठीक है, इसके बाद इसमें मैंने बोला है वाज लगाना है, इज नहीं, क्योंकि पास्ट में है. मिल्क वाज. ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक. बाय यू का तो यू रहेगा, तो लास्ट में यू लगा देना है. मिल्क वॉज ड्रंक बाय यू. अगला है सी लेफ्ट द ग्रुप्स. तो यहां पर आंसर होगा द ग्रुप्स वर. बहुवचन में है ये, इसलिए यहां भी वॉज के जगह वर लगा रहे हैं. अगर नहीं होता तो वॉज ही लगाते. ठीक है, वर क्यों लगा रहे हैं? के बहुवचन में. लेफ्ट का लेफ्ट ही रहता है. थर्ड फॉर्म भी बाय सी. सी का हो जाएगा हर. ये
ही प्लेड अ गेम्स अ गेम्स फिर से बहुवचन में इसलिए वर अ गेम्स वर प्लेड बाय ही का हो जाएगा हिम आई एट अराइज राइज वॉज इटन बाय आई का हो जाएगा मी अराइज वॉज इटन बाय मी ठीक है इसका देयर को सामने मिला दो देयर के साथ वॉज लगाएंगे देयर वॉज वेन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन देयर वॉज गॉन बाय वीक हो जाएगा अस क्लियर इसी तरह से बनाना है इसी तरह से अगर मैं कहूँ आई न्यू यू तो हो जाएगा ये सेकेंड फॉर्म में है यू वर वर पर थर्ड फॉर्म नो वन यू वर नो वन बाय मी यू वर नो वन बाय मी ठीक है ही लाइक्स यू तो हो जाएगा यू आर लाइक्ड बाय हिम देखिए यहाँ पर मैंने वॉज वर्ब क्यों नहीं लगाया क्योंकि ये एस में वर्ब के साथ एस लगा है मतलब ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट में या तो इस का उपयोग होता है या तो एम का या तो आर का ठीक है तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया ठीक है ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी है लेकिन अभी हम फ्यूचर वाले सेंटेंस का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रेजेंट हो गया पास्ट हो गया फ्यूचर का भी देख लेते हैं जैसे अगर लिखा है सेंटेंस में राधा विल गो टू मार्केट तो मार्केट को पहले लिख दो मार्केट इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलता वही रहेगा लेकिन बी जुड़ जाता है क्या जुड़ जाता है बी तो मार्केट विल बी गोइंग का थर्ड फॉर्म गॉन मार्केट विल बी गॉन बाय राधा कर दिया मुझे आधा इसी तरह से अगर मैं कहूँ एक दूसरे सेंटेंस में सी विल मेक अ ऑफर तो अ ऑफर को पहले लिखेंगे अ ऑफर विल बी मेक का हो जाएगा मेड बाय सी का हर ठीक है एक और देख लेते हैं आई सेल या विल दोनों कह सकते हैं ठीक है आई विल आई सेल आई विल कॉल यू मैं तुम्हें फोन करूंगा तो हो जाएगा यू विल बी कॉल्ड बाय मी तो यू को सामने ले आना है विल जो लगा उसके साथ बी भी लगा देना है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है फिर बाय लगा करके जो सामने में उसको उठा के लिख दो लेकिन बदल के बस ऐसे ही बनता है आपका वॉइस ठीक है अब हम आपको देने वाले हैं कुछ होमवर्क ताकि आप भी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करें और अपनी वॉइस को अच्छे से क्लियर करें ठीक है तो देखिए पहला क्वेश्चन राम सॉल आल
क्वेश्चन दूसरा, ही रिटर्न्ड आउट द सर्वेंट. तीसरा, विल वी हेल्प एट यू. चौथा, आई ऑफर हिम अ चेयर. पांचवा, यू आस्क अ क्वेश्चन. नेक्स्ट, दे विल कम टुमारो. नेक्स्ट, वी विल भी हो जाएगा, सेल भी हो जाएगा, ठीक है. वी सेल या विल या वी विल टच अ डॉग. लास्ट, मिस्टर शर्मा डाउट मी लास्ट ईयर. EAR, ठीक है. तो इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है, आंसर मुझे कमेंट करना है ताकि मैं भी जान सकूं कि कितने बच्चे देख रहे हैं और सीख रहे हैं. नहीं बनता है तब भी कमेंट करिए, जैसा भी बने एटलीस्ट अगर आप आंसर देंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से आपको बताऊंगा. ठीक है, तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.